हम विनर प्रकाश है, गोल्डन तामुआ में रहता है, और सबको रेडियो फिजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फिजी 2, देश की धड़कन। नमस्कार, फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ प्रणीता प्रकाश। टीसी यासा से असर पड़े इलाकों में एनरोल हुए स्टूडेंट्स की संख्या में भारी गिरावट हो गई है। एजुकेशन मिनिस्टर रोजी अकबर ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को आम किया। उनका कहना है कि ये उन स्कूलों के लिए है जहां बहुत ज्यादा क्षति हुई है। उनका कहना है कि जिन स्कूलों को क्षति पहुंची है उसमें से लगभग 20 स्कूलों में वे क्विक रिपेयर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री को आज वोडाफोन फिजी की ओर से $300,000 लागत की सहायता प्रदान की गई। इनसे लगभग 20 स्कूलों पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। अकबर ने कन्फर्म किया है कि स्कूल्स इसी महीने 18 को खुलेगी। पब्लिक रेंटल बोर्ड इस बात से चिंतित है कि उनके हाउसिंग प्रेमिसेस में इंस्टॉल किए गए नए कैमरास को तोड़ा जा रहा है। पीआरबी के एक्टिंग मैनेजर पैट्रिक व्यू का कहना है कि टेनेंट्स सीसीटीवी कैमरास वेंडलाइज कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि वे नहीं चाहते कि वहां कैमरास लगाए जाए। पीआरबी का कहना है कि कैमरास लगाना जरूरी है ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे। कुछ पीआरबी टेनेंट्स का कहना है कि वे चाहते हैं कि वहां सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया जाए। टीसी यासा से असर पड़े इलाकों में रह रहे कई महिलाओं और बच्चों पर पिछले महीने आई कैटेगरी 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन का गहरा असर पड़ा है। डिविजनल वीमेन इंटरेस्ट ऑफिसर नॉर्दर्न का कहना है कि उन्हें बुआ की कम्युनिटीज से ट्रोमा के कई रिपोर्ट्स मिली है। उनका कहना है कि मेडिकल सर्विसेज पैसिफिक और एम्पावर पैसिफिक इन केसेस पर गौर कर रही है। और खेलकूद की खबरों में भूतपूर्व नांदी फुटबॉल मेंटर कमल स्वामी को इस सीजन बा फुटबॉल टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। स्वामी रोनिल कुमार की जगह लेंगे, जबकि कुमार अपने पद से हट गए हैं। फोमा बा रेप्स जैसे मलकई के नहवे और डेनियल क्रिस्टल नांदी के स्कूल टीचर को उनकी काम में सहयोग देंगे। स्वामी ने 1992 में अपने करियर की शुरुआत की थी। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 अमिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। कुमार सानी नायक है, बोम्बो अलीबू लटो का। रेडियो फिजी 2 में पुराना गाना लगे, हमें बहुत अच्छा लगे। रेडियो फिजी 2, देश की धड़कन।